Hello, good morning students. So we have brought another question of the same chapter, electrochemistry. Okay, so the question is from the in-text question 3.9. This is in-text question 3.9 from the chapter electrochemistry. Okay, so let's begin. The molar conductivity of 0.025 mole per liter methanoic acid is 46.1 siemens centimeter square per mole. Calculate its degree of dissociation and dissociation constant. And in this we are given limiting molar conductivity of proton. This is 349.6 siemens centimeter square per mole. And limiting molar conductivity of methanoid ion. This is 54.6 siemens centimeter square per mole. So this is the question. अब यहां पर molar conductivity आपको पता है, हमने इसके बारे में discuss किया है video lectures में, जब electrochemistry की video lecture series चल रही थी उसमें हमने discuss किया था कि जो molar conductivity है this is equal to how much conductivity divided by concentration. कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ द मोलरिटी, ये हमने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है, किस तरीके से हम इसको निकालते हैं. तो वही चीज है ये. फिर यहां पर इस केस में कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. अब हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है इसका और डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट निकालना है. हमें जो गिवन है वो प्रोटोन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और मिथेनॉइड आयन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. अब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, जिसे हम लैम्डा एम नॉट से डिनोट करते हैं. लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, दिस इज मोलर कंडक्टिविटी व्हेन कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस जीरो. ठीक है, ये आपकी क्या है, दिस इज लिमिट, दिस इज मोलर कंडक्टिविटी व्हेन कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस जीरो. जब आपकी जो मोलरिटी है या कॉन्सेंट्रेशन है जब इस जीरो अप्रोच करता है, उस कंडीशन में हम इसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं. आप इसकी वीडियो लेक्चर दे सकते हैं, ठीक है. तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में डिफरेंस क्या होता है. मोलर कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन. लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, दिस इज द मोलर कंडक्टिविटी व्हेन कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस जीरो, मींस व्हेन द डाइल्यूशन इज ऑलमोस्ट 100%. जब आपका डाइल्यूशन ऑलमोस्ट 100% होता है तो उस कंडीशन में हम मोलर कंडक्टिविटी को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं. तो ये हमारे पास, अब देखो हमें यहां पर जो गिवन है वो है प्रोटॉन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और फॉर्मेट आयन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. और हमें कोलराज लॉ से पता है, कोलराज लॉ, इसमें हमने क्या जाना था, कोलराज लॉ में इसमें हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि टोटल जो हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है किसकी, जो हमारे पास इसमें, जैसे मान लीजिए HCOOH, इसकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी ये किस पर डिपेंड करेगी, दिस विल डिपेंड ऑन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ प्रोटॉन और साथ ही साथ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCOO नेगेटिव. यानी कि जो इन दोनों का जो सम होगा, इन दोनों का जो सम होगा दैट विल इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ फॉर्मिक एसिड यानी कि मिथेनॉइक एसिड. ठीक है, इस तरीके से हमें यहां पर मिथेनॉइक एसिड का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता चल जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा है, ठीक है, वो है मिथेनॉइक एसिड का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता करना विद द हेल्प ऑफ कोलराज लॉ. कोलराज लॉ क्या कहता है, सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी विल बी इक्वल टू द लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट. यहां पर हमारा इलेक्ट्रोलाइट कौन है, ये मिथेनॉइक एसिड है. तो यहां पर इस प्रोटॉन का और हमारे पास
ठीक है, यहाँ पर जो आपके पास प्रोटॉन है इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया है, और ये जो फॉर्मेट आयन है, ये जो मिथुनाइट आयन है उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया है, तो इन दोनों का सम करके हम यहाँ पर जो आपके पास फॉर्मिक एसिड है इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता करेंगे। तो ये हमने यहाँ पर पता किया, हमें प्रोटोन का कौन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया है, ये देखिए इसमें ये दिया है। इसी तरीके से फॉर्मेट आयन का दिया है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर दिया है। फिर हमने इन दोनों का सम किया, सम करके, क्योंकि ये कौन सा लॉ है, ये अकॉर्डिंग टू कोलरॉस लॉ है, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग इन दोनों का सम करने पर हमें किसका मिलेगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसका मिलेगा। ठीक है, तो ये हमें इसका मिल चुका है, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 404.2 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ फॉर्मिक एसिड हमें मिल गया विद हेल्प गिवन डाटा इस तरीके से। अब दूसरा जो यहां पर क्वेश्चन जो दिया है, कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। डिसोसिएशन आप समझ सकते हैं, ठीक है, यहां पर डिसोसिएशन से क्या मतलब है, डिसोसिएशन मतलब है कि जो आपका HCOOH है ये एक वीक एसिड है, और अगर ये वीक एसिड है तो यहां पर ये कंप्लीटली आपका डिसोसिएट नहीं होता है। ठीक है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, तो इसका मतलब 100% डिसोसिएशन इसका नहीं होता है। तो यहां पर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें बताना है कि कितना परसेंट ये डिसोसिएट होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर ये आपका 40% डिसोसिएट होता है, तो 40% डिसोसिएट होने का मतलब हुआ कि यहां पर जो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो 0.4 है। अगर ये 60% डिसोसिएट होता है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हुआ आपका 0.6। अगर 30% डिसोसिएट होता है तो इसका मतलब हुआ आपका 0.3, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये हमें बताना है कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, और ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक तो गिवन है वो है आपका मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मिथेनोइक एसिड, जो कि आपकी इतनी दी गई है, मोलर कनेक्टिविटी आपको दी गई है। दूसरा वो है ये वैल्यू, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ मिथेनोइक एसिड। एक तो मोलर कनेक्टिविटी चाहिए और दूसरा लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी चाहिए। हमने आपको मोलर कनेक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी में डिफरेंस अभी बताया था, ठीक है, मोलर कनेक्टिविटी KYC और लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी वन कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस जीरो। ठीक है, तो यहां पर दो वैल्यूज, एक गिवन है और दूसरी हमने यहां पर ये कैलकुलेट की है फ्रॉम द कोलराज लॉ। तो इससे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है, देखिए फॉर्मूला है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इक्वल टू मोलर कनेक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी। तो मोलर कनेक्टिविटी गिवन इतनी है और लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी कैलकुलेट करके हमारी इतना है फ्रॉम द कोलराज लॉ। तो इससे आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया 0.114, ये आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, 0.114, ठीक है, इनटू 100 कर लो, तो ये आपका परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन हो गया, यानी कि 11.4% आपका डिसोसिएट होगा, कौन, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, क्योंकि क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें इसमें एक और चीज पूछे, डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है आपको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपने निकाल लिया, अब आपको पूछा है डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, देखिए बहुत ही सिंपल है। पहले यहां पर फॉर्मिक एसिड इस तरीके से आयंस में डिसोसिएट होता है, इनिशियली फॉर्मिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए सी है, तो जाहिर सी बात है इनिशियली ये आपका डिसोसिएट नहीं हुआ, तो जीरो कॉन्सेंट्रेशन हुआ फॉर्मेट आयन का और प्रोटोन का। आफ्टर सम टाइम जो आपका यहां पर फॉर्मिक एसिड है वो कितना कन्वर्ट हुआ है, फॉर्मिक एसिड जो कन्वर्ट हुआ है आपका, इट इज हाउ मच, सी माइनस सी अल्फा, इस तरीके से आपका ये सी माइनस सी अल्फा आपका यहां पर बचा है एट इक्विलिब्रियम।
इक्विलिब्रियम पे कितना बचेगा, C माइनस सी अल्फा, ये आपका C माइनस सी अल्फा है, ठीक है। और C माइनस सी अल्फा जब आपका डिसोसिएट होगा, माना कि यहां पर C अगर आपका से फॉर एग्जांपल C इक्वल टू 100, ठीक है, और तो आपका C अल्फा कितना हुआ, ठीक है, C अल्फा हुआ 100 इंटू अल्फा कितना आया था, अल्फा आपका आया यहां पर 11.4%, ठीक है। अगर इसको हम परसेंटेज समझ लें तो 11.4, तो यानी कि कितना हुआ, 100 का 11.4 कितना हुआ परसेंट, यानी कि 11.4, यानी कि 100 में से आपके 11.4 मॉलिक्यूल्स आपके डिसोसिएट हुए। तो अगर 11.4 मॉलिक्यूल आपके डिसोसिएट होंगे तो जाहिर सी बात है यहां पर ये कितने बनेंगे, ये भी 11.4 ही बनेंगे, फॉर्मेट आयन भी 11.4 होगा, प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन भी यहाँ पर ये 11.4 होगा। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये है बात। तो यहाँ पर आपके पास इस तरीके से ये हो गया C माइनस सी अल्फा, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम पर आपको पता है कि जो आपके पास ये आपने इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ा है 11th क्लास में, कि इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट इक्वल टू होता है आपका C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, ठीक है। अगर आपको ये देखना है कि ये कैसे कैसे आया तो इसे देख लेते हैं, ठीक है। तो इसे आप जानते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, यहां पर जो आपके प्रोडक्ट में होता है उसका आप इस तरीके से, ये कॉन्सेंट्रेशन है ना, दीज आर द कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, इनटू, ठीक है, डिवाइडेड बाय सी माइनस सी अल्फा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी कॉमन ले लेंगे आप 1 माइनस अल्फा, इस तरीके से ये हो जाएगा आपका कितना, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। तो ये हमने 11th क्लास में पढ़ा है। तो इस तरीके से हमारे पास ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला हो गया। आपको जो कॉन्सेंट्रेशन, अब देखिए क्वेश्चन में जो आपको पूछा गया है डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको बताना है, ठीक है। डिसोसिएशन कांस्टेंट आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको निकालना है, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, दीज आर द सेम थिंग, डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन केस ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो C आपको दिया गया है इसमें कितना, 0.025, तो इसे आप रख लीजिए 0.025। अब यहां पर आपने ये रख लिया, फिर इनटू अल्फा स्क्वायर, अल्फा कितना आया था 0.114, तो ये आपने रख दिया, इसका स्क्वायर हो जाएगा यहां पर 1 माइनस अल्फा, ये फिर वैल्यू रख दी और ये आपके पास आंसर आ जाएगा 3.67 इंटू 10^-4। तो इस तरीके से हम यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट को कैलकुलेट करते हैं। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, एंड इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन वॉच द वीडियो अगेन। ओके, थैंक यू सो मच।